खेसारी लाल यादव की कोई भी फिल्म आती है या फिर किसी भी फिल्म का पोस्टर रिलीज होता है, पोस्टर को वायरल होते देर नहीं लगती। खेसारी की फिल्म राजा हिंदुस्तानी का पोस्टर आया है, इस पोस्टर को देखिए और फिल्म के भव्यता का अंदाजा आपको लग जाएगा। लेकिन भाई ऐसी भव्यता भी किस काम की कि फिल्म में आर्टिस्टों को काम करवा लिया जाए, एक्टरों को काम करवा लिया जाए, मेन आर्टिस्टों को यानी कि बड़े आर्टिस्टों को पैसा दे दिया जाए और छोटे आर्टिस्टों को पैसे के लिए रुलाया जाए या उनके पैसे ही न दिए जाए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि राजा हिंदुस्तानी में काम करने वाले कुछ एक्टर कह रहे हैं। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव की इस फिल्म राजा हिंदुस्तानी के डायरेक्टर हैं भोजपुरी के माने जाने डायरेक्टर मंजुल ठाकुर और इस फिल्म की स्क्रिप्ट भी उन्होंने लिखी है। लेकिन क्या आपको पता है कि पैसे देन लेन का काम फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि निर्माता करते हैं, डायरेक्टर का इससे कुछ भी लेना देना नहीं होता है। और कई दफा प्रोड्यूसर इसी बात का फायदा उठा लेते हैं कि डायरेक्टर का रिलेशन एक्टरों से अच्छा होता है, डायरेक्टर के कारण ही एक्टर आ जाते हैं, फिल्मों में काम कर लेते हैं और फिर उन्हें पैसे नहीं दिए जाते। अब ये विवाद राजा हिंदुस्तानी फिल्म का है और इस विवाद में दो लोगों का नाम आ रहा है, पहले संजय महानंद और दूसरे फिल्म के प्रोड्यूसर राहुल खान। जी हाँ, संजय महानंद का कहना है कि राहुल खान ने उनके पिछली फिल्म यानी कि निरहुआ हिंदुस्तानी 2 के भी पैसे अभी तक नहीं दिए हैं। और तो और इस फिल्म में संजय महानंद ने काम किया तो फिल्म के डायरेक्टर के कारण यानी मंजुल ठाकुर के कारण। उन्होंने जब देखा कि फिल्म का डायरेक्शन मंजुल ठाकुर कर रहे हैं तो उन्होंने इस फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। लेकिन जब भी संजय अपने प्रोड्यूसर से यानी कि राहुल खान जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है उससे पैसे मांगते तो वो टाला मटोल करते। और अब संजय महानंद का ये कहना है कि फिल्म का फर्स्ट लुक भी रिलीज हो गया है, फिल्म की डबिंग भी पूरी हो गई है, लेकिन उनके हिस्से की डबिंग पूरी किए बगैर ही फिल्म का शायद जल्द ही ट्रेलर भी रिलीज कर दिया जाए। संजय के अलावा भोजपुरी इंडस्ट्री के कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके पैसों को राहुल खान ने अभी तक नहीं दिया है और इसकी पुष्टि हम आपको अपने स्क्रीन पर ये स्क्रीनशॉट दिखा कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि खेसारी की हर फिल्म के साथ कुछ न कुछ विवाद जुड़ा होता है और इस बार इस फिल्म का विवाद सीधे सीधे खेसारी से न जुड़कर फिल्म के प्रोड्यूसर और एक्टरों से जुड़ा हुआ है। अब राहुल खान जैसे बड़े प्रोड्यूसरों को जो कि भोजपुरी में कई बड़ी हिट दे चुके हैं, उन प्रोड्यूसरों को चाहिए भोजपुरी के नाम को इस तरह से बदनाम न किया जाए। वैसे इस खबर की पुष्टि हम भी नहीं करते, लेकिन हाँ जब खबर हमारे कान तक पड़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन से ऐसे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं जिन पर उनके ही आर्टिस्ट आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं और इसमें शायद मंजुल ठाकुर जैसे डायरेक्टरों का नाम सबसे ऊपर आता है। कई ऐसे एक्टर और कई ऐसे टेक्नीशियंस चले आते हैं, वो पैसे का मुंह नहीं देखते, वो टैलेंट को सलाम करते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ये कुछ भी नया नहीं है, इससे पहले कई प्रोड्यूसर ऐसे होते हैं जो भोजपुरी आर्टिस्टों को एक्टरों को काम करवा लेते हैं और फिर उन्हें पैसे नहीं देते। ये किस्सा तो हमारे बॉलीवुड में भी खूब मशहूर है, लेकिन भाई बॉलीवुड में कोई अपना नाम नहीं खराब करना चाहता, इसलिए देर ही सही लेकिन पैसे जरूर दे दिए जाते हैं। संजय महानंद ही इकलौते ऐसे आर्टिस्ट नहीं है जिनके साथ राहुल खान जैसे प्रोड्यूसरों ने ये सब कुछ किया हो। राहुल खान का रवैया भी कुछ ऐसा रहा है, उनसे काम तो करवा लिया लेकिन पैसे के नाम पर ठेंगा दिखा दिया। तो चलिए कुछ ऐसे टेक्नीशियंस की भी बात कर लेते हैं। बात करेंगे नासिर शेख की। जानती हूँ आप उन्हें जानते नहीं होंगे क्योंकि कैमरे के पीछे जो लोग होते हैं उनका परिचय देना पड़ता है। आपको बता दें कि नासिर शेख पेशे से आर्ट डिजाइनर हैं और भोजपुरी में एक लंबा वक्त गुजारा है इन्होंने।
भोजपुरी की कई बड़ी फिल्मों का आर्ट डिजाइनिंग किया है और आपको बता दे कि इनका भी एक्सपीरियंस राहुल खान के साथ काम के मामले में बहुत बुरा रहा है। राहुल खान ने इनके 65,000 रुपए अभी तक नहीं लौटाए हैं। सुनने में ये रकम बड़ी छोटी लग रही होगी कि एक प्रोड्यूसर के लिए 65,000 कौन सी बहुत बड़ी रकम है, लेकिन अब भाई 65,000 के लिए नासिर शेख को कई बार उनके दरवाजे की कुंडी खटखटानी पड़ी, उनकी फोन की रिंग बजानी पड़ी और बदले में नासिर शेख को मिला क्या भाई, तारीख और जो कि अब तक मिलती आ रही है। कुछ ऐसा ही हाल कैमरामैन सिद्धार्थ सिंह का भी है। जी हाँ, सिद्धार्थ सिंह ने राहुल खान के साथ फिल्म की। जब सिद्धार्थ सिंह ने अपने पैसे मांगे तब राहुल खान ने उनसे जितनी शूटिंग थी करवाई और उसके बाद की शूटिंग के लिए दूसरा कैमरा पर्सन हायर कर लिया। वैसे आपको हमने बताया नहीं कि सिद्धार्थ सिंह है कौन। आपको बता दें कि सिद्धार्थ सिंह एक कैमरामैन हैं और इन्होंने आधे से ज्यादा फिल्म राजा हिंदुस्तानी शूट की है और जब उन्होंने राहुल खान से अपने पैसे मांगे तो उसके बदले में राहुल खान ने कोई और कैमरा पर्सन हायर करके शूटिंग कंप्लीट करवा ली। फिल्म की शूटिंग तो कंप्लीट हो गई लेकिन सिद्धार्थ सिंह को पैसे नहीं मिले और जब सिद्धार्थ सिंह ने भी उनसे पैसे मांगे यानी राहुल खान से अपने प्रोड्यूसर से पैसे मांगे तब उन्हें उसके बदले में मिली तारीख। वैसे यहाँ राहुल खान के लिए एक चीज सबसे परफेक्ट बैठती है, लगता है वो सनी देओल के बहुत बड़े फैन हैं। अगर वो सनी देओल के फैन नहीं हैं, तो सनी देओल के उस डायलॉग के फैन जरूर हैं, जहाँ सनी देओल जोर जोर से कोर्ट रूम में चिल्लाते हुए कहते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख। तो कुछ यही हाल भोजपुरी के कई टेक्नीशियंस और कई आर्टिस्टों का राहुल खान कर रहे हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।